हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने मतलब कि ये बताना है कि पहले कौन से कंप्यूटर्स आए, फिर बाद में अब कौन से चल रहे हैं, और इसके बाद कौन से आएंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। जी, कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बिकॉज नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैन ऑलवेज सर्च फॉर अ फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, हम ह्यूमन हैं, हमें ज़रूरत थी कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ इन्वेंट की जाए कि कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो, हमसे भी ज़्यादा फास्ट हो। सो इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू इन्वेंट द डिजिटल कंप्यूटर। आ ब्रीफ हिस्ट्री बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। सो काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी अरसा लग गया कि आप अपने डिजिटल कंप्यूटर्स को अब देख रहे हैं, भी पहले नहीं थे। तो सबसे पहले उसमें आया था अबेकस। अबेकस आपका एक कैलकुलेटर था, ठीक है, अबेकस एक कैलकुलेटर था। दी फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस वॉज अबेकस। इट वॉज डिवेलप्ड इन 600 BC, मतलब कि तब डिवेलप किया गया था। इट वॉज यूज टू परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और बेटा ये आपके सिर्फ और सिर्फ सिंपल एडिशन और अब्स्ट्रैक्शन जो थे, सब्ट्रैक्शन वगैरह करना, बस ये दो चीज़ें ही परफॉर्म कर सकते थे। इट कंसिस्ट ऑफ वुडन बीड्स। दी बीड्स कुड बी मूव इजीली। कैलकुलेशंस वर परफॉर्म बाय मूविंग दीज बीड्स प्रॉपरली। अब आप लोग खुद देख लो कि ये इस तरह के बीड्स लगी होती थी, इसके ज़रिए कैसे कैलकुलेशंस होती होगी। वो जैसे पहले नहीं हम करते होते थे, इतने ऊपर कर दो, इतने नीचे कर दो, ठीक है, अब इतने 3 में 5 और ऐड कर दो तो हमें पता चल जाता है कितने हो गए हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे 5 में से माइनस करने हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी, उनको अलहदा कर दूंगी। तो ये तरीका था, इसके साथ हम कैसे कैलकुलेशंस कर लेते, तो ये तरीका निकला था कि इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म हो सकती है। तो ये आपका फर्स्ट था अबेकस। उसके बाद आता है जॉन नेपियर बॉर्न। ये साइंटिस्ट था। अनदर मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज जॉन नेपियन बॉर्न ने जो था उसने कंसेप्ट दिया था ये। इट वाज अ कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर। इट वाज डिजाइन इन अर्ली 17th century। तो ये वो साइंटिस्ट है, और ये था वो कार्डबोर्ड जिसकी बेस पे ये कैलकुलेशन जो थी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती थी। तो ये वे था इसका, बस हमें ये चीज़ देखनी नहीं है, बस यही काफ़ी है कि कार्डबोर्ड का कॉन्सेप्ट जो था वो इस बंदे ने दिया था, जॉन नेपियर बोन ने। जी, ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल कौन था? द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल इन 1642। ब्लेस पास्कल ने मैकेनिकल एडिंग मशीन इन्वेंट की थी कब, 1642 में। इट कुड ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर, और ये भी सिर्फ जो था ऐड कर सकती थी और सब्ट्रैक्ट कर सकती थी नंबर्स वगैरह को। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाज डन बाय रिपीटिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो वो ये कह रहा है कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन तब होती थी जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बार बार रिपीट करते थे। उसके बाद आते हैं आपके गॉटफ्रीड विलहेम वॉन लेबनिट्ज़। तो इस बंदे ने क्या किया था, 1694 में डेवलप किया था एक कैलकुलेटिंग मशीन। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर डैट कुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आल्सो। सो देखे कि 1 बाय 1 वो रिकवरी हो रही है। सो इसने क्या कंसेप्ट दिया था, मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। फिर उसके बाद चार्ल्स जेवियर है,
एक फ्रेंच साइंटिस्ट था ये, जिसने डेवलप की थी एक मशीन डेट कुड परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसने चारों कॉन्सेप्ट जो थे उसका कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था. फिर उसके बाद पंच बोर्ड आए. अ फ्रेंच इंजीनियर जोसेफ डेवलप पंच बोर्ड सिस्टम फॉर पावर लूम्स. इट वॉज यूज टू क्रिएट स्पेसिफिक वीविंग पैटर्न ऑन क्लॉथ. जैसे बेटा लूमें लगाई जाती हैं, लूम्स होती हैं ना वो, मतलब किस वजह से होती है, क्लॉथिंग के लिए होते हैं ना, क्लॉथ को मतलब एक सीक्वेंस देने के लिए, कुछ भी स्टाइल का क्लॉथ बनाने के लिए. तो वो लिखा हुआ वेविंग पैटर्न था ये. लेटर ऑन द सिस्टम वॉज यूज इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस. तो पहले तो ये वेविंग पैटर्न सिर्फ क्लॉथ के लिए यूज होता था पंच बोर्ड, फिर उन्होंने कहा कि ये आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए भी यूज हो सकता है. जी चार्ल्स बैबेज जिसे हम फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. In 1822, a mathematician Charles Babbage invented a different engine for mathematical calculation. तो इसने एक different चीज़ दरियाफ्त की थी calculation करने के लिए. In 1842, has developed analytical engine that was automatic. ठीक है, इसने एक automatic engine create किया था, develop किया था. This engine could perform 60 additions per minute. ये इंजन ऑटोमेटिकली कितनी एडिशंस पर मिनट कर सकता था, 60 एडिशंस जो भी हम जमा करना चाह रहे हैं. और इसे हम फादर ऑफ द जो आपका कंप्यूटर है ना, इसे फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं हम चार्ल्स बैबेज को. हरमन हॉलरिथ इन 1889 हरमन अप्लाइड द आइडिया ऑफ पंच बोर्ड इन कंप्यूटर. अब वो जो कह रहा था पंच बोर्ड लूम्स के लिए यूज होता था, तो पंच बोर्ड को कंप्यूटर के साथ रिलेट किया था हरमन हॉलरिथ ने. ही यूज पंच कार्ड इन कंप्यूटर फॉर इनपुट एंड आउटपुट. इसने कहा कि पंच कार्ड पुट किए जाएं इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को और आउटपुट देने के लिए. और हमें पता है कि कंप्यूटर जो है हमारा इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में काम करता है, तो इसको टेबुलेटर का नाम दिया था इसने. ठीक है, टेबुलेटर था इस तरह का ये इंजन था जिससे वो लूम्स वगैरह लगी होती है ना, तो इस तरह ये काम कर रहे थे एज अ कंप्यूटर. जी उसके बाद आता है टेंसोफ. हाँ जी, टेंसोफ वाज अ प्रोफेसर एट लोअर यूनिवर्सिटी. ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर था, लोअर यूनिवर्सिटी है. He invented an electronic computer. इसने एक electronic computer का concept दिया, और हमें भी पता है कि जो आपका computer है वो electronic computer ही है. He applied Boolean algebra to the computer circuitry. हाँ जी वही, आपका जो Boolean algebra 0 और 1, तो इसने वो concept जो दिया था. George Boole, हाँ जी जॉर्ज बूल जो था, उसने क्या किया था, सिंपलफाइड किया था बूलियन अलजबरा को बाइनरी सिस्टम के. ठीक है, बाइनरी सिस्टम ऑफ अलजबरा. हिज रूल स्टेट्स दैट एनी मैथमेटिकल इक्वेशन कैन बी स्टेटेड सिंपली एज आइदर ट्रू और फॉल्स. उसने कहा कि दो कंडीशंस हो सकती हैं कंप्यूटर के अंदर, या वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होंगी. जी डिफरेंट वेल नाउन अर्ली कंप्यूटर्स आर एज फॉलोज. अब हमने वन बाय वन कंप्यूटर्स को देखना है. द मार्क वन कंप्यूटर 1937 टू 44 तक ये रहे थे. इट इज़ आल्सो एज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर. इट वाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन. बेटा जो भी पहले कैलकुलेटर्स की फॉर्म में काम करते थे, पूरा काम नहीं करते थे, सिर्फ कैलकुलेटर्स ही थे. इट वाज डिजाइंड बाय हॉवर्ड ए एकन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था हॉवर्ड, उसने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था. इट वाज वेरी रिलायबल बट ह्यूज इन साइज. ठीक है, ये रिलायबल था, बाकी सबसे अच्छा था जो प्रीवियस हमने पढ़ा है देखा है उनसे अच्छा था, लेकिन है तो कैलकुलेटर ही था ना, और साइज में भी बड़ा था. फिर उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आया ENIAC 1943 to 46. ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेस काम कर रहा था लेकिन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ही कर रहा था.
इट वॉज इन्वेंटेड बाय जे पी एकर्ट एंड जॉन मोचले, ठीक है, ये जॉन मोचले और जे पी एकर्ट ने इन 1946 में इसको इन्वेंट किया था, इस आइडिया को. इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. ये क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें ये इस तरह की ह्यूज साइज में था. ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की फॉर्म थी जी. उसके बाद कॉन्सेप्ट आया एडवैक 1946 to 52. एडवैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. इट वॉज डिवेलप्ड बाय डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन. अभी हमने वॉन न्यूमन को पढ़ा है, ठीक है. इसने इंटरनल आइडिया तक बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी डिवाइस है वो इंटरनल कैसे काम करती है, ठीक है, वो कितने कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो जॉन वॉन न्यूमन, हमने मॉडल भी पढ़ा है, आर्किटेक्चर भी पढ़ा है. इट कुड स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा. सो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन और डाटा क्या हो सकती हैं? स्टोर्ड हो सकती हैं. अभी हमने रैम रोम ये सारी चीज़ें उसी के अंदर ही पढ़ी हैं ना, मेमोरी पढ़ी है, रजिस्टर्स पढ़े हैं. तो इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर कर सकते हैं एडवैक के अंदर. तो ये आपके जॉन वॉन न्यूमन ने कंसेप्ट दिया था. जी उसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट यूनिवैक. वन बाय वन हम वन स्टेप आगे आ रहे हैं. 1951 यूनिवैक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. यूनिवैक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इट वाज फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर. ये आपका फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था. इट वाज यूज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज. और ये हम कहाँ पे यूज़ कर रहे थे? बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में, लाइक दिस. ये आपका था कंप्यूटर, कौन सा? यूनिवैक, ठीक है जी. कमर्शियल कंप्यूटर जी, मतलब कि वाकई अब लग रहा था कि इसको इन्वेंट करने की ज़रूरत है. कमर्शियल कंप्यूटर, दी फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर वाज 701. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम. आप लोगों ने सुना होगा कि आईबीएम एक कंपनी है जो सारी ये कंप्यूटर्स वगैरह बनाती है. इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो थी हिस्ट्री आपके कंप्यूटर्स की, ठीक है, बैक सारी हिस्ट्री थी. अब है उसकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं, उस हिस्ट्री की बेस पे अब हमने, हमारे पास जो स्पेसिफाइड हुई थी वो हमने उनको नाम दे दिया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर एज फॉलोज. अब हम वन बाय वन अपनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को रीड आउट करेंगे जी. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 to 1955. ये रेंजेस आपने याद करनी है लाजमी, ठीक है. वो प्रीवियस आप लोगों को रेंजेस याद रहें या ना रहें, लेकिन ये वाली लाजमी याद करनी है. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, द बिगिनिंग ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर एज इज फ्रॉम यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. आपका जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक, ठीक है. अभी यूनिवैक मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि ये वही कंप्यूटर था जिसके अंदर आपकी मतलब हम एज अ कैल्क पूरा डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास कंप्यूटर जो था वो बन गया था. इट वॉज डिवेलप बाय द सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट यूएसए एंड डिवेलप बाय द टू साइंटिस्ट मोचले एंड एकर्ट, ठीक है. इसके दो दो साइंटिस्ट हैं, मोचले एंड एकर्ट. इन 1947 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था. ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूज ड्यूरिंग 1942 to 1955. दे वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब. हाँ जी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसने डेवलप किया? यूनिवैक था, मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था. मोचले और एकर्ट ने इसको डेवलप किया. 1942 to 1955 इसकी रेंज है. और ये किस बेस पे काम करता था? ये था वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है. मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, वैक्यूम ट्यूब विच वॉज अ ग्लास ट्यूब, ठीक है. वैक्यूम ट्यूब ग्लास की ट्यूब्स थी. डैट कंट्रोल्ड एंड एम्पलीफाइड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वे ही था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही था, लेकिन ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, ठीक है. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? वैक्यूम ट्यूब्स वर दी ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज. जो भी था वे सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स ही बेस पे काम करता था. वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर. दीज कंप्यूटर्स कुड कैलकुलेट डाटा इन मिली सेकेंड. सो ये आपका जो कंप्यूटर था वो प्रीवियस से तो अच्छा ही था ना, हिस्ट्री में जो हमने देखे हैं, तो मिली सेकंड में आपको जो डाटा प्रोवाइड करता था.
तो इसके डिसएडवांटेजेस भी थे, दे वर वेरी लार्ज, बहुत बड़ा था, मतलब कमरे जितना बड़ा, जो भी खराबी आती थी इसके अंदर जाके ठीक करना पड़ता था। कंज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा पावर एनर्जी वेस्ट करता था ये। हीटेड वेरी सून ड्यू टू द थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, अगर हम बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर लगा देते थे कैलकुलेशंस करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता था और इसमें खराबी भी आ जाती थी। नॉट रिलायबल, एयर कंडीशनर वॉज रिक्वायर्ड, इतनी गर्मी होगी तो उसको तो बहुत ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत है। कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस वॉज रिक्वायर्ड, बार बार उसको ठीक करने की ज़रूरत पेश आती थी। नॉन पोर्टेबल, कॉस्टली कमर्शियल प्रोडक्शन, बहुत महंगा था ये, लिमिटेड कमर्शियल यूज़, देखिए हर कोई तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, तो इसलिए लिमिटेड कमर्शियल यूज़ था। क्वाइट स्लो स्पीड, बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड थी। लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, कुछ कुछ फंक्शन जो थे वो परफॉर्म कर सकता था और बहुत सारे फंक्शन जो थे वो ये परफॉर्म नहीं कर सकता था। यूज्ड मशीन लैंग्वेज ओनली, जस्ट मशीन लैंग्वेज यूज़ करता था। यूज मैग्नेटिक ड्रम्स विच प्रोवाइड वेरी लेस फैसिलिटी ऑफ डाटा स्टोरेज, सो इसके अंदर जो आपकी डाटा स्टोरेज की फैसिलिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा लेस थी। पंच कार्ड फॉर इनपुट, नॉन वर्सटाइल, वेरी फॉल्टी। नॉन वर्सटाइल में ये चीज़ आती है कि वो मतलब हर चीज़ उसमें काम नहीं कर सकता, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज हैं। जिसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 टू 1964। थ्री साइंटिस्ट ऑफ बेल लेबोरेटरीज डिवेलप ट्रांजिस्टर, बेटा इसमें जो कॉन्सेप्ट आया था वो ट्रांजिस्टर था। आपकी फर्स्ट जनरेशन में जो कॉन्सेप्ट था वो वैक्यूम ट्यूब्स था। बाई 1948 दीज साइंटिस्ट इंक्लूड जे डॉट बार्डीन, एथ डॉट डब्ल्यू ब्रेटेन, ये वाला नाम आप लोग ना याद रखें, ठीक है। जो ये पहली लाइन है ना, द साइंटिस्ट ऑफ बेल लेबोरेटरीज डिवेलप ट्रांजिस्टर बाय 1948, ये आपने याद रखना है लाजमी। और ट्रांजिस्टर बेस्ड था, ट्रांजिस्टर इज अ स्मॉल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स अक्रॉस द रजिस्टर। द ट्रांजिस्टर वॉज यूज इन कंप्यूटर 1956 इन सेकेंड जनरेशन, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर थे आपके जो सेकेंड जनरेशन थे, फर्स्ट आपके वैक्यूम ट्यूब बेस थे। सो ये एडवांटेजेस हैं इसके, स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, यस इसका जो साइज था वो स्मॉलर था, किससे, आपके फर्स्ट जनरेशन से, मोर रिलायबल, मोर एनर्जी एफिशिएंट। बेटा हम इसको वैक्यूम ट्यूब के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अपनी लेटेस्ट कंप्यूटर के साथ ही कंपेयर करें, तो इस सेंस में ये मोर एफिशिएंट है। वर नॉट हीटेड बिकॉज टू लेस एनर्जी, वाइडर कमर्शियल यूज, ज़्यादा इसको मतलब कमर्शियल जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो तो बहुत बड़े थे, ये उससे छोटे थे तो इसको हम ज़्यादा वाइड यूज़ कर सकते थे। बेटर पोर्टेबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम मूवेबल कर सकते थे। बेटर स्पीड, कुड कैलकुलेट डाटा इन माइक्रो सेकेंड, यूज फास्टर पेरीफेरल, टेप ड्राइव, मैग्नेटिक ट्रेस लाइन प्रिंटर ETC, ये इसके साथ कनेक्ट हो सकते थे। यूज़ असम्बली लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज, हम इसमें असम्बली लैंग्वेज यूज़ करते थे, मशीन लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं होती थी। एक्यूरेट थी, एक्यूरेसी जो थी वो इसकी इम्प्रूव थी, मतलब कम फॉल्ट एरर, मतलब जो एरर्स आने के चांसेस थे वो इसमें कम थे। जी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं इसके, एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, यस बिकॉज ट्रांजिस्टर भी हैवी होते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं। कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, वही वाले। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट, मतलब ज़्यादा ज़्यादा भी एरिया के लिए ये बेस्ट नहीं था, हर कोई बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। आल्सो ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, और सिर्फ कुछ हद तक इसको यूज़ किया जा सकता था, हर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। कॉस्टली थे, नॉट वर्सटाइल, पंच कार्ड वर यूज फॉर इनपुट। ठीक है, मतलब कि हम इसको लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, तो इसी सेंस में इसको नॉन वर्सटाइल जो है वो कहा गया।
जी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1975, जैक किल बाय डेवलप द इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1958। हाँ जी भाई, जैक किल बाय जो था उसने डेवलप किया था आपके इंटीग्रेटेड सर्किट को 1958 में। अब आईसी जो थी वो कंबाइन की गई थी थ्री इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन टू अ सिलिकॉन डिस्क। बेटा एक छोटी सी चिप होती है, सिलिकॉन होती है, रेत की बनी हुई, ठीक है, वो चिप होती है रेत की बनी हुई, तो उसको हमने आईसी का नाम दे दिया। साइंटिस्ट लेटर मैनेज टू फिट इवन मोर कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। सो इन्होंने जो सिलिकॉन जो स्मॉल डिस्क थी उनको फिट कर दिया और एक कंसेप्ट जो था उसको कह दिया दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर बिकम एवर स्मॉलर एज अ रिजल्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम वाज आल्सो प्रोड्यूस एट दैट टाइम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बन चुका था थर्ड कंप्यूटर जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपकी विंडो है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस में है स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, मोर रिलायबल, लेस एनर्जी यूज, प्रोड्यूस लेस हीट एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। दोनों कंप्यूटर से अच्छे थे ये। मोर गुड स्पीड, कुड कैलकुलेट डाटा इन नैनो सेकेंड, ठीक है, नैनो सेकेंड 10^9, तो इसके हिसाब से ये था ज़्यादा स्पीडली काम कर रहा था उन दोनों जो जनरेशन थी उनसे, मतलब वैक्यूम ट्यूब से और ट्रांजिस्टर से। आपकी थर्ड जनरेशन में क्या है? आईसी का कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, जो कि सिलिकॉन चिप के साथ बनी हुई है। यूज्ड फैन फॉर हीट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करने के लिए एंड सो टू प्रिवेंट फ्रॉम द डैमेजिंग। जैसे आप लोगों के कंप्यूटर्स के अंदर फैन लगे हुए हैं ना हीट को निकालने के लिए, तो इसमें भी ये हीट का मतलब कि फैन का कॉन्सेप्ट आ गया था। मेंटेनेंस कॉस्ट वाज लो बिकॉज हार्डवेयर फेलियर इज रेयर, ठीक है, इसमें काफी बहुत कम चांसेस थे कि आपका हार्डवेयर जो है वो खराब हो दोनों की निस्बत प्रीवियस से। टोटली जनरल पर्पस, कुड बी यूज फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ जी भाई, इसमें हम जो यूजर की लैंग्वेज है मतलब के C++ होगी, C होगी, जावा होगी, पास्कल होगी, तो इसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते थे। गुड स्टोरेज, वर्सटाइल टू एन एक्सटेंट, यस वर्सटाइल मतलब के हम इसमें बहुत सारे काम जो है वो परफॉर्म कर सकते थे। लेस एक्सपेंसिव, बेटर एक्यूरेसी, कमर्शियल प्रोडक्शन इंक्रीज, इसमें जो है वो ज़्यादा लेवल वाले कस्टमर जो है इसको यूज़ करने लग गए। यूज्ड माउस कीबोर्ड फॉर इनपुट डिवाइसेस, तो यहाँ पे इनपुट और कीबोर्ड का जो माउस और कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट जो था वो आ गया था जी। डिसएडवांटेजेस में क्या है? एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड। हाँ जी, जो मर्जी कंप्यूटर ले लो कंडीशनिंग तो रिक्वायर्ड ही होनी है ना। हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो कि मूवेबल हो, मतलब कि इतनी लाइक ज़्यादा इसमें नहीं हमें चाहिए थी टेक्नोलॉजी इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए, रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप, ठीक है, आईसी चिप बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करना पड़ता था, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस था, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे आईसी चिप में जी। उसके बाद आई हैं आज ही आपकी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि हमारे अब लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज्ड, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम CPU कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ ICs, मतलब कि आपकी जो थर्ड जनरेशन में IC का कॉन्सेप्ट आया था इंटीग्रेटेड सर्किट का, IC डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ IC को मिला के एक चीज़ का नाम दे दिया गया जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये भी एक चिप ही है लेकिन थाउजेंड ऑफ आईसी चिप्स के साथ मिलके बनी है और इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर या सिंपल प्रोसेसर या फिर CPU ऑफ द या कंप्यूटर या फिर हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ द कंप्यूटर। आप लोगों को पता ही है आप लोगों के कंप्यूटर्स के अब साइज क्या हैं, ठीक है, तो ये हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर है। इसके एडवांटेज इज वेरी स्मॉल इन साइज, लेस पावर कंजम्पशन, लेस हीट जनरेटेड, लार्ज फैन फॉर हीट डिस्चार्जिंग, और आपके कंप्यूटर्स के अंदर फैंस भी लगे हुए हैं आप जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं। नो एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड, आपकी मर्जी है, ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको AC में ही रखें, हम इसके बगैर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट स्पीड टू रीड इंस्ट्रक्शन 1 बिलियन पर सेकेंड,
देखिए मैं काम कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस रीड कर रही हूँ, आप मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही बगैर रुके पहुँच रही है, तो ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड सेंड कर रहा है। रिलायबल एंड पावरफुल, टोटली जनरल पर्पस, कमर्शियल प्रोडक्शन, हर कोई बंदा जो है इसको ले रहा है, कंप्यूटर हर किसी के पास है आजकल। लेस नीड फॉर रिपेयरिंग, चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन, जितनी भी प्रीवियस देखे हैं उन सबसे चीपेस्ट है। चीपेस्ट मतलब सस्ता, ठीक है, अब घटिया नहीं कहते ना, चीपेस्ट मतलब यहाँ पे सस्ता है। ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी यूज इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर जो है वो हर तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेजेस का क्या है? हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द माइक्रो प्रोसेसर। बस इसमें एक ही डिसएडवांटेजेस है, जो कि आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर आपके सीपीयूज बनाने पड़ते हैं ना, उसके लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है जी। उसके बाद आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन, और यही है आपकी लास्ट जनरेशन। प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट हम अब भी यूज़ कर रहे हैं, और बियॉन्ड मतलब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स वगैरह। आप लोगों को रोबोट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट पता होगा कि रोबोट्स होते हैं, ह्यूमन लाइक होते हैं, इंसानों जैसे काम करते हैं वो भी, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन में देख लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन साइंटिस्ट आर नाउ वर्किंग ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूजिंग रिसेंट इंजीनियरिंग एडवांसेस। फोर्थ जनरेशन तो रहनी ही रहनी है, फिफ्थ जनरेशन भी यूज़ हो रही है, बिकॉज अब तो सारा काम जो है रोबोट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गया हुआ है। कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड इमीडिएट ह्यूमन रीजनिंग। बिल्कुल ह्यूमन लाइक होते हैं रोबोट्स, उनको जो काम दे दिया जाता है उन्होंने वो काम जो है वो करना होता है, ठीक है। जापान वर्क इज कंसिडरेबली इम्पोर्टेंट इन दिस डायरेक्शन विच हैज़ चूजन प्रोलोग, मतलब प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोलोग लैंग्वेज है, इसके अंदर यूज़ हो रही फिफ्थ जनरेशन के अंदर आपके रोबोटिक्स बनाने के लिए, ठीक है। बस यही था आप लोगों की हिस्ट्री, टोटली हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। तो हमने देखा कि अबेकस से स्टार्ट हुए, उसके बाद कितने कैलकुलेटर्स बने जिसके अंदर डिफरेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, और फिर एनियाक, एडवेक, यूनिवेक, इनका कॉन्सेप्ट आया। फिर फर्स्ट जनरेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिवेक का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और उनके ईयर्स भी बताए। उसमें जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें बेटा हमने ट्रांजिस्टर बेस, जो सॉरी वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर, और जो आपके सेकंड जनरेशन है उसके अंदर आपकी थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को मिलाया जाए तो आपके ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस काम होता है। तो थर्ड जनरेशन है उसमें आईसी यूज़ होती हैं, स्मॉल चिप्स होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये भी सिलिकॉन के साथ मिलके बनती हैं, इनको कंबाइन किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। उसके बाद आपकी फोर्थ जनरेशन है जो आपके प्रेजेंट कंप्यूटर्स हैं, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर का नाम देते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर आपके लेटेस्ट कंप्यूटर हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ मिलके एक चिप बनाई गई थी, छोटी सी चिप होती है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट भी है, अब भी यूज़ हो रही है, अब भी रोबोट्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा रोबोट्स हैं, रोबोटिक्स बेस ही है। कहीं पे भी बाहर की कंट्री में चले जाते हैं तो रोबोट्स जो है वो प्रॉपर खाना बना रहे हैं, मशीनरी है, तो वो रोबोटिक्स ही हैं जो ह्यूमन लाइक काम कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रोलोग लैंग्वेज यूज़ होती है। तो ये थी बेटा आप लोगों की हिस्ट्री एंड प्लस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स।